पहचान कड़क साहबजान साहब का पोतरा और जनाब मरहूम फारूक पाशा साहब का बेटा जनाब शब्बीर फारूक पाशा मेरा नाम 135 वाट से मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल सबको ईद मुबारक, मेरे भाइयों को हिंदू या मुसलमान सब लोग को मेरे तरफ से ईद उल फितर की मुबारकबाद दी देता हूँ। रही बात, मैं चंद एक दो तीन दिन पहले एक मैसेज पढ़ा व्हाट्सएप पे, इमरान पाशा ने एक बहुत बड़ी बात की फ़ोन पे। मैं इमरान पाशा को बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले बीजट जमीर अहमद साहब के बारे में तुम्हें बोले ना, सबसे पहले तुम्हें सोच लियो कि तुम्हारे वास्ते क्या कर को ही उन्होंने के बात दूसरा, क्योंकि उनके पादरेन पुराच नहीं हल्के चामराज पेट नहीं पूरे कर्नाटक में उनका शुक्रगुजार है सब लोग के, क्योंकि वो कौम का काम कर ले, कौम नहीं हिंदू या मुसलमान हो सबका काम कर ले को जारी उन्हों। इमरान पाशा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो तुम ना नको, तुम्हारे पास सब चीज है, अब हमारा भी है कुछ बोलने का, हमें नहीं बोलना चाह रही, क्योंकि तो तुम एक एक्सपर्ट, तुम्हें पढ़े लिखे हो को इतना इतना छोटा काम कर दी, मैं नहीं सोचा था पढ़े लिखे इंसान का ये क्या काम को मैं समझ लिया। क्या बोल रहा हूँ, खयामत का आसारा चल रही बाहर और रमजान के महीने में किसी की गीबत गाना सही है क्या? बोलो, हमारे कुरान के अंदर है क्या, हदीस के अंदर है क्या, किसी की गीबत गाना है क्या? सबसे पहले नहीं है। रही बात दूसरा, मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूँ इमरान पाशा, तुम्हें क्या चीज हम ना मालूम, यजमान क्या चीज हम ना मालूम, बीजट जमीर अहमद साहब क्या चीज हम ना मालूम, क्योंकि यजमान के साथ में 3 साल गुजारिया, कहते 3 साल गुजारिया, हर पल हर क्या करते थे उनका मैं फॉलो करिया, कि वैसे जैसा इंसान फरिश्ते जैसा इंसान मैं देखा नहीं बेंगलोर के अंदर ही, मैं कहाँ कहाँ देखा तो भी नहीं देखा, कि इसीलिए मेरा दिल पसंद आ गया उनके साथ लग गया सुमी। इमरान पाशा सबसे पहले सोच लियो, बात करने से पहले सोच को बात करो सामने वाले को, क्योंकि तो तुम्हारी भी एक एक्सपेक्ट इज्जत है, पढ़े लिखे इंसान तुम्हें तो सरासर गलत बोले, बीजट जमीर अहमद साहब तुम कहाँ गलत बोल को ही बोलो, बोलो इमरान पाशा नहीं बोल को ही, कि वो तुम्हारी अखलाक में मालूम हुई सो तुम्हें कितने बड़े पढ़े लिखे अखलाक हो, उनका टेंशन हजार है, एमपी के बारे में बात चल रही थी तुम्हारे बारे में बोले को कैसा तुम्हें तुम्हारे ऊपर लेती, गलत है। इमरान पाशा मैं स्टार्टिंग ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, लास्ट भी बोल रहा हूँ, मोहल्ले का माहौल खराब मत करो, मोहल्ले के अंदर गौर गरीब का बहुत अच्छे से अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, अल्लाह किससे जरिया ले रहा है उससे जरिया ले को है, कुरान हदीस के तुम्हें बात करें, कुरान हदीस के अंदर है क्या तुम्हें बोलो किसी की गीबत गाना है क्या? नहीं है। इमरान पाशा नको ये सब बात नको, वक्त आने के बाद तुम्हें बोलती वक्त इंशाल्लाह, मैं रमजान के महीना खत्म होने देकर को मैं चपले को था सो, क्यों तो रमजान में किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं, रमजान का महीना खत्म हो गया, अब इंशाल्लाह रमजान का खत्म इसके बाद देखेंगे क्या कैसा है चलना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किसी के साथ कोई भी रो गलत बोलो नको, मैं क्या बोल रहा हूँ यजमान से बीजट जमीर अहमद साहब से, ये लास्ट मेरे तरफ से तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरे भाई करके बोल रहा हूँ तुम्हारे को, बीजट जमीर अहमद साहब को सेकेंड वीडियो बना को माफी मांगो, क्योंकि तो वैसा फरिश्ते जैसा इंसान हमें नहीं मिलता, बहुत से आदमियां तुम्हें नहीं मालूम, मैं खुद यजमान के साथ देखू एक लहाजा टाइम नहीं, खुद कल रात में अरफात नगर के अंदर एक बहुत बड़ा हादिसा होगा, आंध्रा जाना था, यजमान को बात कर को हमें लोग क्या क्या की कर को हमें गाड़ी डाल को भेजे, किसका काम? हमारा हमारे लोग हमारे कौम का काम, मोहल्ले का काम हमें करना। रही बात, 2 दिन पहले 13 किरास बादरेनपुरा 13 किरास के अंदर एक पेशेंट को नहीं ले रहे थे कोरोना पॉजिटिव आ जाको, उसे मैं यजमान से फोर्स कर को यजमान को फोर्स कर को मैं यजमान के हाथ से काम कराया, किसका काम? ये कौम का काम, हमें आपको एक मोहल्ले के जिम्मेदार के बेटे हमारा काम क्या, एक कौम का काम कर ले को जाना। इमरान पाशा और एक बात बोल रहा हूँ, ताज सिर का ताज, इमरान पाशा जब हमारे चाचा आरिफ पाशा साहब जब फर्स्ट इलेक्शन हारे थे, उस वक्त तुम्हारे वालिद साहब को हमारे वालिद साहब जाको बुला ले क्या के नहीं, लाल बंदूड़ी से बुला ले क्या को, फिर इलेक्शन में खड़के जीते ना, तो इतना समझ लो मुंह मेरा खोलो नको,
किसका ताज किसे पीना है, ताज के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है किसी के। अल्लाह सब चीज करने वाला अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है दुनिया के अंदर।